अब बात करते हैं महंगाई की मार तेल में धार। लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। आए दिन यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा होता चला जा रहा है। आपको बताते चले, 14 दिन के अंदर 12 बार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ। इसी के साथ आम आदमी पूरी तरीके से बेहाल हो चुका है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ करके रख दी है। ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में बढ़ती महंगाई से आम जनजीवन अब अस्त व्यस्त हो गया है। एक तरफ लगातार बढ़ रही गर्मी से परेशान है, तो वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आ रहे उछाल से लोगों की जेब खाली हो रही है। पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। देश में आज यानी 4 अप्रैल को भी पेट्रोल डीजल 40 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 40-40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में अब पेट्रोल 103 रुपए 81 पैसे और डीजल 95 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। 22 मार्च से बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। देश के चारों महानगरों की अगर तुलना करें तो मुंबई में पेट्रोल और डीजल सबसे अधिक महंगा है। मुंबई में पेट्रोल 118 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल 103 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 109 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। डीजल 99 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। वहीं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए 5 पैसे की बढ़ोतरी की है। इसके बाद देश की राजधानी में अब सीएनजी के दाम 64 रुपए 11 पैसे हो गए हैं। वहीं पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ने से आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे खाने पीने के सामानों के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। इसका असर उनकी जेब पर ही नहीं, उनके जीवन पर भी पड़ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए 14 दिनों में 12 बार पेट्रोल और डीजल के दाम कितने बढ़े हैं। तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम धीरे धीरे बढ़ा रही हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 14 दिनों में 12 बार बढ़े तेल के दाम। पेट्रोल के दामों में 22 मार्च को 80 पैसे की हुई बढ़ोतरी, 23 मार्च को 80 पैसे, 25 मार्च को 80 पैसे बढ़े, 26 मार्च को 80 पैसे बढ़े, वहीं 27 मार्च को 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई, 28 मार्च को 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं 29 मार्च को 80 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई, 30 मार्च को 80 पैसे बढ़े। 31 मार्च की बात की जाए तो 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई, वहीं 2 अप्रैल को भी 80 पैसे ही बढ़े, 3 अप्रैल को 80 पैसे, 4 अप्रैल को 40 पैसे महंगा हुआ। 14 दिनों में 12 बार बढ़े तेल के दाम। डीजल की कीमतों में 22 मार्च को 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई, वहीं 23 मार्च को 80 पैसे बढ़े, 25 मार्च को भी 80 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई, 26 मार्च को 80 पैसे की बढ़ोतरी, 27 मार्च को 55 पैसे बढ़े, 28 मार्च को 55 पैसे और 29 मार्च को 70 पैसे का इजाफा हुआ और 30 मार्च को 80 पैसों का इजाफा हुआ। 31 मार्च को 80 पैसे, 2 अप्रैल को 80 पैसे, वहीं 3 अप्रैल को 80 पैसे, 4 अप्रैल को 40 पैसे महंगा हुआ। बात करें हरियाणा की तो प्रदेश में पेट्रोल के भाव शतक पार कर गए हैं। 14 दिन में 12 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है। प्रदेश में पेट्रोल डीजल 80-80 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है, जिसके चलते कई शहरों में पेट्रोल के दाम शतक पार कर गए। बात गुरुग्राम की करें तो गुरुग्राम में पेट्रोल 103 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 95 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं फरीदाबाद में पेट्रोल 103 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर हो गया है, वहीं डीजल 95 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है।
जबकि फतेहाबाद में पेट्रोल 104 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 96 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इसके अलावा अंबाला में पेट्रोल 104 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 95 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर और भिवानी में पेट्रोल 104 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर हो गया है तो डीजल 95 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं चरखी दादरी में पेट्रोल 104 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 95 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तेल की बढ़ती कीमतों पर विपक्ष पहले से ही हमलावर है। विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि चुनाव में नुकसान के डर से उस दौरान कीमतें नहीं बढ़ाई गई और अब सरकार महंगे तेल का बोझ आम जनता पर डाल रही है। वहीं सरकार ने भी इसके पलटवार में महंगे तेल पर सफाई दी है। उन्होंने रूस और यूक्रेन की जंग को इसका जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही सरकार के मुताबिक जंग का असर क्रूड ऑयल की कीमतों पर भी पड़ा है और दुनिया भर की इकोनॉमी पर इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि ऐसा लगता है कि तेल कंपनियों ने जोर का झटका धीरे से देने का फैसला किया है। शायद यही वजह है कि बीते 14 दिनों में 12 बार तेल की कीमतों में इजाफा किया गया है।